companies in the union territories, power distribution companies in the union territories, space sector where ISRO and others have been flag bearers for India, atomic energy. So 8 sectors, but I will be showing you about 10 to 12 slides, all of them explaining each one of these sectors in detail. Namaskar. आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखी थी और 20 लाख करोड़ का पैकेज देश भर के लिए लाए थे, उसी कड़ी में आज चौथी प्रेस वार्ता में नए क्षेत्र कौन से हमारे विकास के लिए हो सकते हैं, उसको लेकर क्या बदलाव, क्या रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं, उसको लेकर आज हम आप सबके सामने आए हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार पहले भी कहा है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और उसी दिशा में सबसे पहला कदम है रिफॉर्म्स लाने का। पिछले कुछ दिनों में एमएसएमई सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इनकी परिभाषाएं चाहे एमएसएमई की हो, ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की हो, एपीएमसी एक्ट की बात हो, इनको बदलने से ही इतनी पॉजिटिव बातचीत पूरे देश भर में हो रही है, एक सकारात्मक सोच इन दोनों वर्गों में देश भर के करोड़ों लोगों के बीच में चल रही है। एक नया क्षेत्र या बाकी नए क्षेत्र, जिनकी माननीय वित्त मंत्री जी ने भी बात कही कि 8 नए क्षेत्रों को लेकर आप सबके सामने आए हैं। यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना होगा, हर चैलेंज के लिए, चुनौती के लिए तैयार रहना होगा, और जहां जहां नीतिगत बदलाव चाहिए वहां वहां नीतिगत बदलाव लाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, उसके लिए माने ही मोदी जी जाते हैं कि किस तरह से अच्छी इम्प्लीमेंटेशन पिछले 6 वर्षों में करके दिखाई, चाहे वो जीएसटी की बात हो, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट की बात हो, जनधन योजना की बात हो, यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म बनाने की बात हो, हर गांव में बिजली और हर घर को राशन देने तक की कोविड-19 की स्थिति में बात हो, तो इसलिए इस सेक्टर्स में भी तेजी कैसे आए, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट की कैसे हो, उसके लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया गया है जो निजी निवेश की मंजूरी के लिए गति देने का काम उसमें से करेंगे ताकि उसमें सहायता मिल सके और आकर्षित हम विदेशी निवेश को कर सकें। प्रत्येक मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनेगा जो ये तय करेगा कि किस क्षेत्र में निवेश आ सकता है, कौन निवेशक हो सकता है, इनसे बातचीत करेगा और राज्यों से और केंद्र से बात भी करेगा ताकि निवेश करने वाले को कहीं पर दिक्कत ना आए, एक तरह से हैंड होल्डिंग करने का काम यहां पर होगा। राज्यों की रैंकिंग भी होगी, उनकी कितनी अट्रैक्टिव पॉलिसीज है कि इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि निवेश के लिए कितनी आकर्षित करने वाली उनकी योजनाएं हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उनकी रैंकिंग को। और नए चैंपियन सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो सोलर पीवी हो, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, या एडवांस सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, इसके लिए भी जो भी इंसेंटिव देने होंगे वो भी हम लेकर आएंगे ताकि इन क्षेत्रों में भी बढ़ावा, ऐसे और कई क्षेत्रों में भी बढ़ावा मिल सके जो नए चैंपियन सेक्टर्स हैं। अब इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, औद्योगिक बुनियादी ढांचे में उसके उन्नयन के लिए इस योजना को लाया गया है ताकि देश भर में जो लगभग 3376 इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल एस्टेट SEZ, ये लगभग 5 लाख हेक्टेयर्स में फैले हुए हैं, और इन सब की जानकारी आपको औद्योगिक सूचना प्रणाली यानी कि IIS पर मिलेगी, जिसकी GIS मैपिंग की जाएगी ताकि निवेश करने वाले को कोई दिक्कत ना हो। जो उसको बाद में दिक्कत आती थी जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर, वो भी दूर होगी, जमीन की उपलब्धता भी 5 लाख हेक्टेयर के लगभग जो इंडस्ट्रियल हमारे स्टेट्स हैं या हमारे पार्क्स हैं उनमें भी जो होगी उसमें उनको लाभ मिलेगा, और इसीलिए इस योजना में बदलाव भी लाया गया है। इसको मिशन मोड पर, चैलेंज मोड पर किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को जमीन जल्द से जल्द उपलब्ध राज्यों में करवाई जा सके, और इसके लिए कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। द फर्स्ट ऑफ द 8 सेक्टर्स दैट आई वांट टू स्पीक अबाउट
is coal. There are four slides all speaking about the various steps, but I will run through about all the four, even though the sequencing may be a bit different. We are bringing in commercial mining in coal sector. You know, coal, as all of you all know, coal is a government monopoly. That government monopoly is what is now being removed. Commercial mining of coal on a revenue sharing basis would help more coal availability and also more coal availability at market prices. So this will be far more efficient and more people can get to using it. Liberalized entries will be allowed for people to participate for a range of coal blocks, and for those who produce well before the deadline, incentives also will be given. But let's first understand, if India, which is the third richest or which has the third largest and third large valued coal availability in its mines, in untapped mines, meaning it has the third valuable deposit of coal, and we still import coal, and we still sometimes feel that the energy sector is suffering because raw material is not available. So regulations are required, and this line, you would recall, I have said day before yesterday, I have also said yesterday, regulations are required when there is a shortage. But this country has got abundant coal, and we've been regulating it, suffocating it from, you know, producing ample quantity of coal which will be required by the industry. Economy can be benefiting from this kind of opening up. Of course, we are conscious that coal is not so environment friendly. So in order to have coal converted into gas, we are providing incentive so that coal is also used, but the environment commitments of India are honored and we benefit from gasification of coal. And also the coal bed methane also will be auctioned so that these coal beds which are with Coal India but untapped also can benefit the country. So the coal bed methane extraction also will happen through auctioning. 50,000 crores will be spent by Government of India for creating evacuation infrastructure, because after the coal is mined, brought to the pit head, you don't have enough right kind of infrastructure to have this coal, mined coal, evacuated from there. So 50,000 crores is being given to ensure that evacuation infrastructure is provided. So this is in short what is being done to bring in reforms in the coal sector. Koila utpadan ke kshetr mein आत्मनिर्भरता हमारी कैसे बने, और केवल उतना ही कोयला बाहर से लाया जाए जिसकी आवश्यकता है, जो यहां पर उपलब्ध नहीं है। दुनिया का सबसे या दुनिया के पहले तीन सबसे बड़े भंडारण क्षमताओं में जहां पर कोल ब्लॉक्स है, यानी कि जहां पर कोयला है, उसमें भारत आता है। उसके बावजूद हम शायद अपनी क्षमता का दोहन नहीं कर पाए जो हमारे पास उपलब्ध थी, और इसीलिए कुछ बदलाव इसमें किए जाएंगे ताकि इसमें जो प्रति टन पहले जितने रुपए मिलते थे उसकी बजाय अब राजस्व साझा करने की बात आएगी, उस पर जाया जाएगा। और जैसे पहले जो स्टील प्लांट चलाते थे, बिजली का उत्पादन करते थे, केवल उनको मिलता था, इसके लिए ओपन ऑप्शन भी होगी ताकि ओपन मार्केट में सेल कर सकें, ज़्यादा लोग इसमें आए, ज़्यादा इसका खनन हो सके, और इससे देश की अर्थव्यवस्था को और देश के उद्योग को भी बल मिलेगा। लगभग 50 ऐसे नए ब्लॉक्स खनन के लिए नीलामी पर आने वाले समय में उपलब्ध करवाए जाएंगे, और इसमें अपफ्रंट पेमेंट की सीलिंग होगी। कोई पात्रता के बड़ी कंडीशन इसमें नहीं है इस तरह की
केवल उनको अपफ्रंट पेमेंट करनी है, और यही नहीं, इसके अलावा जो पार्शली एक्सप्लोर्ड थे हमारे खदान, उनको भी देने का काम किया जाएगा ताकि उनका भी खनन और किया जा सके और उसका लाभ भी मिले। कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ये जो अन्वेषण हुआ था, अब इसको निजी क्षेत्र को देकर जल्दी उसमें और लाभ मिल सकता, और प्लेयर्स आएंगे तो खनन ज़्यादा हो पाएगा। और जो अपना समय से पहले खनन की प्रक्रिया को पूरा करता है तो उसको भी इंसेंटिवाइज करने का काम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के माध्यम से किया जाएगा। गैसिफिकेशन के लिए नई अलॉटमेंट्स की जाएंगी ताकि अलग अलग इसमें डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज मिल सकें उनको, रेवेन्यू शेयर में उनको रिबेट मिलेगा जो सक्सेसफुल कोल बिडर्स होंगे। और यही नहीं, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, आधारभूत ढांचे के डेवलपमेंट के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। और ये जो कोल इंडिया लिमिटेड की एनहांस्ड एवैक्यूएशन की हम बात करते हैं, एनएनसीआईएल जो कोल इंडिया लिमिटेड की जो खदानें हैं उसके लिए भी, तो कई सेक्टरों में मजबूती के साथ खड़ा करने की कोशिश जारी। संभावनाओं वाले सेक्टरों पर सरकार का ध्यान, और कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग होगी, सरकारी का अधिकार खत्म होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बड़ा ऐलान, तो कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग होगी तो सही कीमत पर ज्यादा कोयला मिलेगा। तो राहत पैकेज पर वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस सबकी निगाहें इस पर टिकी थी, और आज बड़े ऐलान यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से।